दोस्तों, बाइबल के अनुसार बताए गए 7 पाप जैसे अत्यंत लालसा आपको नर्क के द्वार तक पहुंचाता है। आलस आपके जीवन को बर्बाद करता है और तृप्ति आपका काल बन सकता है। और इन्हीं 7 पापों का प्रतीक है इस मूवी के कुछ किरदार, जिन्हें बाइबल सिर्फ हंसी मजाक का एक पात्र लगता है, जिनके लिए बाइबल सिर्फ एक फिजूल की किताब है। तो देखिए, ऐसी सोच रखने वालों का आखिर हश्र क्या होता है। मूवी की शुरुआत होती है अबरी से। अबरी बैठी हुई थी, 6 लड़कियां आकर उसे एनेस्थीसिया देती है और गाड़ी के डिक्की में भर कर अपने साथ ले जाती है। अबरी बिना रुके बाइबल के कुछ कोट्स कहने लगती है। अगले सीन में अबरी लेटी पड़ी हुई थी और उसके मुंह में एक गुलाब रखा था। पीछे से नरेशन होती है कि ये कोई प्यार मोहब्बत की कहानी नहीं है, ये पाप की कहानी है। और फिर वो अपनी कहानी बताना शुरू करती है। कहानी की शुरुआत में हम ग्रेस को उसके भाई बहनों के साथ देखते हैं। कुछ देर बाद ग्रेस अपनी दोस्त से मिलती है। वो उसे हाल ही में हुए अपने ब्रेकअप के बारे में बताती है। अब स्कूल के समय हम 7 लड़कियों को देखते हैं। ये 7 लड़कियां मूवी की मेन किरदार है और ये सभी सिन यानी पाप है। हर एक लड़कियां एक एक सिन का प्रतीक है। इनमें मौजूद केटी लालसा का प्रतीक है, स्टेसी हिंसा का प्रतीक है, रॉबिन आलस का, मॉली अतृप्ति का, टोरी क्रोध, वही ग्रेस लस्ट का प्रतीक है। इन सारी लड़कियों में उनके प्रतीक की झलक साफ दिखती है। दोस्तों, इनमें से अबरी, जिसे मूवी की शुरुआत में हमने देखा था, वो प्राइड यानी गौरव का प्रतीक थी। लेकिन उसे कभी ये बात समझ ही नहीं आई कि गौरव कैसे पाप हो सकता है। कुछ देर बाद क्लास के दौरान टोरी एक लड़की की हरकतों से गुस्सा होकर अजीब बर्ताव करती है। प्रिंसिपल के ऑफिस भेजने पर वो प्रिंसिपल को भी अपने क्रोध से नहीं छोड़ती। इस बीच टीचर इन्हें बाइबल से जुड़ी कुछ बातें पूछती है। अबरी काफी खुश थी और वो जवाब देती है, मगर सारे गलत होते हैं। अब स्कूल की छुट्टी होते ही ग्रेस से उसका बीएफ मिलने के लिए आता है और वो उससे माफी मांगता है। ग्रेस बताती है कि अब वो इस रिश्ते को आगे नहीं ले जाना चाहती है। और फिर वो अपने दोस्त एंडी से मिलती है। स्कूल के बाद वो एंडी के दुकान पर काम करती थी। अब अगले सीन में हम ग्रेस को देखते हैं। वो अपने पिता के साथ डिनर कर रही थी। ग्रेस के पिता चर्च के फादर थे और उनके अनुसार घर के सभी को बाइबल के अनुसार चलना होगा। ग्रेस के पिता बेहद गुस्से में थे क्योंकि आज स्कूल की एक बच्ची आकर चर्च में कन्फेस कर गई है कि स्कूल में ग्रेस और बाकी सभी मिलकर एक ग्रुप बनाकर रखे हैं। इस ग्रुप में सभी बाइबल के 7 पापों को रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रेस के पिता उसे अच्छे से समझा देते हैं कि तुम किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना सकती, तुम्हें ये पाप छोड़कर ईश्वर के अनुसार उनके दिखाए गए रास्ते पर चलना होगा। उसके पिता उसे ये भी समझाते हैं कि अच्छा हुआ तुमने अपने बीएफ के साथ रिश्ता तोड़ दिया। ग्रेस इसके रिप्लाई पर बोलती है, ठीक है, फिर मैं आपके लिए एक शिप बनकर रहूंगी। क्रिश्चियनिटी में शिप जीसस को रिप्रेजेंट करता है, तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं वो अपने पिता का मजाक उड़ा रही थी। ग्रेस के पिता गुस्से में टेबल से उठकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ग्रेस की माँ उन्हें रोक लेती है। अब रात के समय ग्रेस नींद में एक सपना देखती है। इस सीन के माध्यम से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये सीन उसके लस्ट का प्रतीक है। एक महिला ग्रेस का आह्वान करती है। इसके बाद वो सभी हाथ पकड़ कर लूसिफर की पूजा करते हैं। ग्रेस वहाँ एक लड़की को बाथटब में देखती है। उसी जगह एक आदमी भयानक सा मास्क पहनकर पहुंचता है। इतना ही वो अपने सपने में देखती है। अब अगली सुबह ग्रेस बेहद अट्रैक्टिव सा ड्रेस पहनकर स्कूल में जाती है। इसके अलावा बाकी सभी स्कूल के ड्रेस में ही थे। ग्रेस अपना सीन ऑफ लस्ट दिखा रही थी, जिसकी वजह से उसके क्लास टीचर भी उसे बुरी नजर से देखने लगते हैं। इसके बाद अबरी क्लास से चली जाती है। केटी उसकी जर्नल बुक चुरा लेती है। अबरी को छोड़कर बाकी 6 लोग स्कूल के बाहर एक मीटिंग करते हैं। ग्रेस सभी को बताती है कि हम में से कोई हमें बीट्रे कर रहा है क्योंकि किसी ने चर्च में जाकर कन्फेशन करा है, इसलिए उसे सजा देना अनिवार्य है। इसके बाद
अबरी का जर्नल देखकर ग्रेस जानना चाहती थी कि ये किसकी डायरी है। ग्रेस अनुमान लगाती है कि अबरी उन सभी को चीट कर रही है, इसलिए वो जर्नल पढ़ना चालू करती है। अबरी ने जर्नल में लिखा था कि वो ऐसे किसी को भी नहीं मानेगी जो ईश्वर के विरुद्ध जाते हैं। उसने ये भी लिखा था कि केटी ऐसे कई बार चोरियां किया करती है। केटी भी बेहद हैरान रह जाती है क्योंकि अबरी ऐसा कैसे लिख सकती है, क्योंकि वो खुद भी इसी दल की मेंबर है। इसके अलावा इस जर्नल में उन सभी के खराब करने के विषय पर काफी बातें लिखी हुई थी। ग्रेस कहती है अबरी का मुंह हमें बंद करना ही होगा। अगले सीन में ये सभी अबरी के घर पर जाते हैं, ये कहकर कि वो सभी यहाँ बाइबल पढ़ने के लिए आए हैं। अबरी के माता पिता भी उनका वेलकम करते हैं, जो कि वो सभी बाइबल पाठ के लिए आए थे। अबरी के आने से पहले ग्रेस सभी से कहती है हम सभी को इसे तब तक जारी रखना होगा जब तक अबरी अपनी हार नहीं मानती है। इसके बाद अबरी जब उनके बीच जाकर बैठती है तब ग्रेस सभी को एक दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए कहती है। ग्रेस लूसिफर का वही मंत्र कहने लगती है जो उसने कल रात सपने में देखा और सुना था। सभी ग्रेस के साथ उसी मंत्र का उच्चारण करते हैं। अबरी को अजीब सा लगने लगता है। इसके बाद ग्रेस डेविल के हॉर्न यानी शैतानी सिंह पहनती है। अबरी कहती है हम सभी ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारा तो बाइबल पाठ करने का प्लान था। ग्रेस इसके जवाब में कहती है वैसे भी पृथ्वी पाप से भरी हुई है, इसलिए हमें भी आज रात कुछ अलग हटकर करना होगा, और बाइबल में फैक्चुअल सी बातें ऐसी कुछ भी नहीं है। अबरी बाइबल डिफेंड करने की कोशिश करती है, लेकिन वो सभी मिलकर अबरी को परेशान करने के लिए उसका बाइबल छीन कर उसे बुरी तरीके से फाड़ कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। अबरी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उन 6 लोगों के साथ वो अकेले मुकाबला नहीं कर पाती है और ना ही वो उन्हें रोक पाती है। इसके बाद ये लोग अगला पाप करना चाहते थे, इसलिए ये सभी मिलकर अबरी को गन से शूट करने के लिए कहते हैं, लेकिन अबरी ट्रिगर दबाने से इनकार कर देती है। पर टोरी अबरी का हाथ पकड़ कर ट्रिगर दबा देती है। लकीली बंदूक में गोलियां नहीं थी। इसके बाद ग्रेस अबरी को पकड़ कर उसे धमकी देती है कि अगली बार अगर कभी भी उसने उनके बारे में किसी को भी बताया तो इसी बंदूक से अबरी को मारा जाएगा। दोस्तों इतना डराने के बाद भी अबरी रुकती नहीं है, क्योंकि अगले सीन में हम अबरी को ग्रेस के पिता के पास जाकर दोबारा से सारी बातें कन्फेस करते हुए देखते हैं। अबरी कन्फेशन में कहती है कि राइफल से भय दिखाने से क्या होगा, क्योंकि सच तो मुझे बोलना ही था। इस घटना के बाद वो 6 मास्क पहनकर अबरी को अगवा करते हैं। वो सभी अबरी को एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ कोई आता जाता नहीं था। अब उनमें से टोरी अबरी को जोर जोर से अपने पैरों से मारने लगती है। सभी टोरी को रोकते हैं और वो कहते हैं हमारा काम सिर्फ अबरी को डराना था, ना कि उसे जान से मारने का या उसे चोट पहुंचाने का। उनमें से टोरी बाइबल के रैथ सीन को रिप्रेजेंट करती है। वो अत्यंत क्रोधी लड़की थी। अब वो सभी नोटिस करते हैं कि अबरी वहां से एकदम से गायब हो चुकी है। वो सभी अबरी को वहां ना देखकर गाड़ी लेकर वहां से चले जाते हैं। और इधर हम अबरी को जंगल में देखते हैं। वो जंगल में छिपी हुई थी। ग्रेस जैसे ही घर पहुंचती है उसके पिता उसे इस बारे में पूछते हैं कि अब तक वो कहाँ थी। ग्रेस के पिता ये जानते थे कि उससे ये प्रश्न पूछना बेकार है, क्योंकि हमेशा से ही वो उनसे झूठ कहती आई है। इसके बाद वो अपने कमरे में जाकर अबरी के जर्नल को छिपकर पढ़ने लगती है। अगले दिन ग्रेस स्कूल में रो रही थी और ठीक तभी प्रिंसिपल वहां आकर उन 6 बच्चों का नाम लेकर उन्हें ऑफिस में बुलाते हैं। अबरी मिसिंग हो जाती है और पुलिस उसी की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। ये सभी जब ऑफिस जा रहे थे इस दौरान रॉबिन ग्रेस से पूछती है हम जो इस सिचुएशन में फंसे हैं हमें क्या करना चाहिए। ग्रेस कहती है हमें बस अपने जवाब में इतना ही कहना होगा कि हम अबरी के विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं। ऑफिस में शेरिफ जानना चाहते थे कि ग्रेस अबरी के विषय में क्या जानती है। ग्रेस कहती है अबरी बेहद अच्छी और प्यारी लड़की थी और वो हमेशा से ईश्वर के दिखाए गए राह पर चलती है।
ग्रेस की आंखें नम देखकर उसे जाने के लिए कहा जाता है। इसके बाद स्टेसी को बुलाया जाता है और इसी तरह से एक एक करके सभी को ऑफिस में बुलाया जाता है। लेकिन जैसे ही बेल बजती है तब इन छह में से एक ही बच्ची पूछताछ के लिए बची थी। जैसे ही ये क्लासरूम पहुंचते हैं तब वो सात जन यानी सात पाप डेस्क पर लिखा हुआ होता है। इन सात पापों में से प्राइड कटा हुआ था। दोस्तों हम सभी तो जानते हैं कि गौरव अपरि का प्रतीक है। अब केटी टेबल पर लिखी हुई इन चीजों को मिटाने की कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है। इसके बाद स्कूल से निकल कर केटी गाड़ी से कहीं जाने लगती है। मास्क पहना हुआ कोई पीछे से आकर केटी को रोक लेता है और फिर उसे अगवा कर लेता है। अगले सीन में बाकी पांच लड़कियां कैंडल हाथ में लेकर कहीं खड़ी थी। सभी का एक ही प्रश्न था, आखिरकार केटी कहाँ चली गई? ग्रेस कहती है बाकी सभी के ये बात जानने से पहले हमें केटी को ढूंढना ही होगा। दूसरी तरफ हम केटी को चेन से बंधा हुआ पाते हैं। किडनैपर लाइटर पकड़कर खड़ा था, इससे हम ये समझ पाते हैं कि अब तक वो उसे टॉर्चर कर रहा था। इस घटना के कुछ दिनों के बाद पुलिस को केटी का मृत शरीर नदी के किनारे मिलता है। किलर ने केटी के मुंह में एक गुलाब भरकर उसे फेंका था। अगले सीन में हम स्कूल के उसी डेस्क को देखते हैं जहां इस बार ग्रीड वर्ड कटा हुआ था। इसके बाद हम उन सभी को केटी के फ्यूनरल में देखते हैं। इस फ्यूनरल में सभी डिसाइड करते हैं जिसने भी केटी के साथ ऐसा करा है उसे सजा देना होगा। साथ ही अबरी को ढूंढने की प्लानिंग बनाई जाती है। इसके बाद किट ग्रेस के पास जाकर केटी के मौत के लिए उसे कंसोल करता है। उसके बाद वह एंडी पहुंचता है। जैसे ही एंडी केटी के विषय पर बात करने जाता है ठीक तभी पुलिस वहां पहुंचकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। ऑफिसर्स में से एक कहते हैं कि केटी की लाश के पास से ग्लव्स मिला है जिसमें एंडी का डीएनए मौजूद था। अब डिनर के दौरान ग्रेस के पिता उससे कहते हैं, आज हो सकता था शायद केटी की जगह तुम खुद होती। तुम सभी ने ऐसा एक ग्रुप बनाकर सबसे बड़ी गलती करी है। ठीक तभी ग्रेस गुस्से में वहां से चली जाती है और फिर उसकी माँ ग्रेस के पिता से कहती है, फिलहाल तुम्हारी बच्ची को चर्च के प्रीस्ट की नहीं बल्कि एक पिता की जरूरत है। ग्रेस टोरी के साथ घर से निकलती है और फिर वो अबरी का जर्नल जलाने का निर्णय लेती है। वो दोनों जर्नल जलाने के लिए कैबिन में जाते हैं। दूसरी तरफ हम किडनैपर को देखते हैं। उसने उन ग्रुप में मौजूद मौली नामक लड़की को किडनैप करके उसे कुछ मेडिसिन दे रखा था। फिर वो छुरी की मदद से उसे कई बार स्टैब करता है। इधर कैबिन में टोरी और ग्रेस की बातों से हम ये समझ पाते हैं कि ये दोनों सच में एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। वो दोनों फिर अबरी के जर्नल को जला भी देते हैं। उन्हें जर्नल से फिलहाल छुटकारा मिल चुका था लेकिन मास्क जलाना अभी भी बाकी था। टोरी गाड़ी से मास्क निकालने के लिए जाती है। उस दौरान कुत्ते की आवाज सुनकर वो समझ पाती है कि फिलहाल वहाँ कोई मौजूद है, इसलिए वो ग्रेस को भी अपने साथ बाहर चलने के लिए कहती है। दूसरी तरफ स्टेसी और रॉबिन केटी के मौत से जुड़ी बातें कुछ लड़कियों के साथ कर रही होती है। किट वहाँ पहुंचकर ये जानना चाहता था कि आखिरकार ग्रेस ने उसके साथ ब्रेकअप क्यों करा। रॉबिन कहती है ग्रेस को तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके जवाब में वहाँ मौजूद लड़कियां भी कहती है कि ग्रेस लड़कों में इंटरेस्टेड नहीं है बल्कि वो तो लड़कियों में इंटरेस्टेड है और सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड वो टोरी को लेकर है। इधर ग्रेस और टोरी चलते चलते आगे जाकर मौली का मृत शरीर देखकर हैरान रह जाते हैं। मौली के मुंह में भी बिल्कुल उसी तरह से गुलाब भरकर उससे फेंका गया था। उसका बॉडी मिलने के बाद पुलिस एंडी को छोड़ देती है क्योंकि इस बार जो हत्या हुई है उस दौरान एंडी कस्टडी में मौजूद था। इसके बाद किलर का अगला शिकार स्टेसी थी। उसका मृत शरीर बाथटब में मिलता है। किलर उसे बाथटब में सुलाकर उसकी पिक्चर्स खींचता है। ऐसा उसने बाकियों के साथ भी किया था। ग्रेस टोरी के साथ एंडी से मिलती है। एंडी को कुछ देर पहले ही कस्टडी से छोड़ा गया था। एंडी बताता है जो भी ये काम करता है उसने उन्हीं की फूलों की दुकान से गुलाब चुराया था। इसके अलावा वो किसी को भी मारने से पहले उनके शरीर में ब्लीच और साइट्रिक एसिड इंजेक्ट करता है। अगले सीन में हम क्रिमिनल को देखते हैं। उसने हम रॉबिन को उठा लिया था। वो रॉबिन के मुंह पर रोज भर कर उसकी पिक्चर्स खींचता है।
इसके बाद वो रॉबिन से पूछता है, तुमने कौन सा पाप किया था, अपना गुनाह कबूल करो। रॉबिन जवाब देने के बजाय चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से क्रिमिनल गुस्से में आकर उस पर गोली चलाकर उसे मार देता है। रॉबिन की मौत के बाद अब बस दो ही लड़कियां बची थी, जो कि थी ग्रेस और टोरी। इधर हम रॉबिन की चिल्लाने की आवाज सुनकर कुछ ऑफिसर्स को उस घर में पहुंचते हुए देखते हैं। इस घर में उन्हें कई विक्टिम्स की तस्वीर मिलती है। वैसे ये किलर का घर था, लेकिन तब तक वो भाग चुका था। दूसरी तरफ ग्रेस और टोरी कैबिन में वापस पहुंचते हैं। वो देखते हैं दरवाजा खुला हुआ है। जैसे ही वो सोफे पर बैठते हैं, दो लोग पीछे से उन पर हमला कर देते हैं। अब हम किलर को देखते हैं, जो ग्रेस की तस्वीरें खींच रहा था, और सरप्राइजिंगली इसी किलर के साथ काम कर रही थी अबरी। ग्रेस अबरी को जिंदा देख हैरान रह जाती है, तो अबरी बताती है कि इस किलर का नाम है फेल्डमैन। ये आदमी अबरी के साथ चर्च जाया करता था। फेल्डमैन 7 पापों से भी ज्यादा पापी था, और हम यहाँ देखते हैं कि फेल्डमैन शैतानी रिचुअल्स कर रहा है। वो और बताती है कि जिस दिन वो भागकर जंगल पहुंची थी, उस दिन ईश्वर ने उससे बात किया था, और उन्होंने उससे ये कहा था कि उसे दुनिया से पापियों का सर्वनाश करना होगा और उन्हें मुक्ति देना होगा। इन सभी को मारने के बाद वो फेल्डमैन को भी जान से मार देगी, क्योंकि फेल्डमैन खुद भी एक पापी इंसान था। अबरी को फंसाने के लिए ग्रेस कहती है, मुझे माफ कर दो, क्योंकि शायद आज तुम्हारी जगह अगर यहाँ जीसस होते तो वो मुझे माफ कर देते। लेकिन अबरी उसके झांसे में नहीं आती है। फेल्डमैन अब टोरी को वहां लाते हैं। अबरी टोरी को ठीक उसी तरह से पैरों से मारती है जिस तरह से उसने अबरी को मारा था। अबरी कहती है, तुम शिप हो और मैं चालाक फूल्फ। ठीक तभी फेल्डमैन उस पर गोली चलाकर अबरी को मार देता है, और फिर वो कहता है, चालाक वुल्फ तुम नहीं बल्कि मैं हूँ। फेल्डमैन टोरी और ग्रेस के ऊपर बंदूक तान कर अबरी की लाश को पानी में फेंकवा देता है। क्रिमिनल चाहता था कि ये दोनों पुलिस के पास जाकर ये कहे कि उन दोनों ने अबरी को मारा है और बाकी मेंबर्स को भी इन्होंने ही मारा है। इसके बाद वह पुलिस पहुंचती है, लेकिन फेल्डमैन उन्हें मार देता है। टोरी इस दौरान किलर की बंदूक छीन लेती है। किलर कहता है, तुम तो रात यानी क्रोध का प्रतीक हो ना, तुम मुझे मार कर अपना प्रतीक साबित करो। ऐसा कहकर वो उसे चैलेंज करता है। इसके बाद टोरी उसे शूट करके जान से मार देती है। भले ही टोरी ने उसे जान से मार दिया था, लेकिन उसके चेहरे पर क्रोध से ज्यादा डर था, और ये डर था पाप करने का। अब कुछ देर बाद वहाँ डिप्यूटी पहुंचते हैं, और वो ये सीन देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर वो इन दोनों लड़कियों को अपने साथ ले जाते हैं। वैसे जिस तरह से लोहा लोहे को काटता है, उसी तरह से क्रोध का प्रतीक तोरी आज सहम सी गई है। क्यों? सिर्फ अपनी करनी और बेफिजूल सोच के अनुसार चलने की वजह से। तो दोस्तों, यही थी आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन द सिनर्स।